लोहरदगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया है। पंचायत चुनाव 2022 मछेंजर पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार लोहरदगा के द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों को विरुद्ध छापामारी का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में संपूर्ण लोहरदगा जिले में विभिन्न थाना में छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस छापामारी अभियान में क्रम में बगड़ू थाना के मेरले गांव स्थित चंदन साहू के घर से और इसकी निशानदेही पर कालू उराव के घर पर छापामारी की गई, बरामद की गई है, जिसमें 578 बोतल बड़ा और 46 बोतल अवैध शराब मिलाकर कुल 40 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी लगभग अनुमानित राशि 1 लाख रुपए है। इस संबंध में बगड़ू थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पंचायत चुनाव 2022 के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक लोहरदगा के दिशा निर्देश पर पूरे जिले में अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसी छापामारी अभियान के क्रम में बगड़ू थाना अंतर्गत ग्राम मेले में चंदन साहू के घर में छापामारी की गई, जहां 47 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। प्रत्येक पेटी में कुल 12 बोतल, इस प्रकार से 578 बोतल और छोटा 46 बोतल अवैध शराब, कुल 441 लीटर शराब बरामद की गई है। सर, कितनी अनुमानित, इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख आकी जा रही है और इस संबंध में बगड़ू थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।